हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है उनके लिए हम एजुकेशन का थर्ड पेपर लेके आए हैं। उनके लिए हम एजुकेशन का थर्ड पेपर लेके आए हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये तो सेम ही हो गया यार, जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस। इसको कौन सा ले लें? ग्रीन ठीक रहेगा, चलो ग्रीन ले लेते हैं। इसको देखेंगे सभी लोग, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, चलो वाइट ही ले लेते हैं बेटा, यही सही है। चलो देखो, यहाँ देखेंगे सब। बीए सेकंड ईयर के लिए एजुकेशन का थर्ड पेपर है। हमने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों पेपर अपलोड कर दिए। 2022 में आने वाले क्वेश्चन, 2022 में आने वाले क्वेश्चन जो है, मैं आपसे वादा करता हूं ये 18 से 19 क्वेश्चन याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस, मतलब कि 85% एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा इस पेपर में। सेमेस्टर भाई सबके डाल दिए, बीए बीएससी बीकॉम के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट करो, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस यही कहना चाह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्रोडक्ट से। तो यहां देखेंगे सभी लोग, एजुकेशन के फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर डाल दिए, ये थर्ड पेपर है। आपको क्या करना है, सारे पेपर देख लो अलग अलग से, अपने बुक, आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है उस पर टिक लगा लो। यदि नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सभी किसी भी छात्र के एमसीक्यू क्वेश्चन जो हो भी रहा है, यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपी बिहार और उत्तराखंड के लिए। और याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसका भी हो रहे हैं उनके लिए भी हमने पीडीएफ बना के डाल दी है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सारे कुछ सारा प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैनल हमारा और है जिसका नाम है बीए पेपर हैकर, तो बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चनों को टिक लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने खुद से याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए उस दिन बता देना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो? कुछ भी का होना तो समझ सकते हो, कुछ भी हो जाए समझ। तो आप सभी लोग ध्यान से अपने बुक, नोट्स में, गैस पेपर में टिक लगा लेंगे। यदि नहीं है आपके पास ऐसा कुछ तो हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर टिक लगा लो कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, उनकी उपयोगिता मतलब कि निर्देश का हम यूज कहां करते हैं, उनके महत्व क्या है, उनके मूलभूत सिद्धांत और उनके प्रकारों को हम याद कर लेंगे। किनके? निर्देश। ठीक है, तो निर्देशन होता है उसके मूलभूत सिद्धांतों को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और मूल निर्देशन की परिभाषा क्या होती है वो आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे जिसे कहते हैं शैक्षिक निर्देश, शैक्षिक निर्देशन, उनके महत्व, उनके सिद्धांतों को। निर्देशन यहां हमने पढ़ा, मूलभूत सिद्धांत पढ़े। यहां देखो जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो यहां यही सिद्धांत आपको इसमें मूलभूत सिद्धांत के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं शैक्षिक निर्देशन सिद्धांत, और उनके महत्व पढ़ लेंगे। व्यावसायिक निर्देशन सिद्धांत और उनके उद्देश्य, व्यावसायिक व्यावसायिक और निर्देशन, और यहां देखेंगे शैक्षिक निर्देशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मूलभूत सिद्धांतों के ही अंतर इनके भाग होते हैं, अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना इनको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इनको याद कर लेना है, टिक लगा लो फटाफट अपने नोट्स, गैस पेपर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसको देखो। उसके बाद में है, यहां बोला गया है पारिवारिक, देखो यहां हमने व्यावसायिक निर्देशन देख लिया, शैक्षिक निर्देशन, अब हमसे पूछा गया है पारिवारिक निर्देशन, उनकी उपयोगिता, उनके उद्देश्य, उनकी प्रक्रियाओं को देखेंगे। विद्यालय निर्देशन, देखो सब निर्देशन के अंदर ही आते हैं सब लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह विद्यालय निर्देशन क्या होता है, इनके गठन कब किया गया, और निर्देशन कार्यक्रम के कार्यक्रम में जो प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है वो आपको देखना है। निर्देशन के अंतर्गत किसकी, प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है वो हमें याद करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यह बोला है समूह मतलब कि ग्रुप निर्देशन क्या होता है वो आप देखेंगे। परामर्श के प्रकार कितने होते हैं, चरण, उनके लक्षणों को देख लेंगे कि परामर्श के कितने चरण हैं, कितने प्रकार हैं, कितने लक्षण हैं, ये आप देखेंगे। वो लक्ष्य क्या होता है वो आप देख लेंगे। साथ ही साथ आपको देखो पराश्रम और निर्देशन में किस प्रकार से भेद किया जा सकता है, मतलब कि किस प्रकार से अंतर, मतलब कि पराश्रम और निर्देश में हम अंतर जो करेंगे वो अंतर क्या होगा, विभेद मतलब भेद का मतलब यही होता है अंतर। ठीक है, किस प्रकार से कर सकते हैं वो दोनों अच्छे तरीके से उनको कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे, हमने ऊपर भी ये पढ़ चुका है कि विद्यालय निर्देशन की सेवा सॉरी देखो उसके बाद में जुकाम हो रहा है लग रहा है, इसको देखो बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है विद्यालय निर्देशन सेवा
संगठन सिद्धांत क्या होता है इसको अच्छी तरीके से उसके संगठन के बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन की परिभाषा उनका वर्गीकरण हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, ये देखो ये देखो निर्देश से आप क्या समझते हैं, निर्देश के उपयोग सिद्धांत, और देखो यही हमसे यहां पूछा है निर्देश की परिभाषा और उसका वर्गीकरण, बात वही है आप वहां पढ़ लो तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत झींक आ रही है आज, समझ रहे हो ना ध्यान से। ठीक है, अब यहां देखेंगे नेक्स्ट, यहां बोला गया है शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा, महत्व और शिक्षा, ये मैंने ऊपर बता चुका हूं। शैक्षिक निर्देश के बारे में देख लो, निर्देशन के बारे में शैक्षिक निर्देशन, देखो ये शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, तो यहां देखो यहां भी आपसे शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा उद्देश्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, पूरा क्वेश्चन आप वहां पढ़ लोगे तो यहां पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बात वही है। उसके बाद में यहां बोला है शैक्षिक और जो व्यावसायिक निर्देशक होते हैं उनमें अंतर हमसे पूछा है, जब हमने वो दोनों ऊपर पढ़ लेंगे तो अंतर आप आराम से बता दोगे, संबंध भी बता दोगे उनमें क्या क्या संबंध होते हैं उनके आराम से पढ़ दोगे, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। और यहां बोला गया है निर्देशन का, निर्देशन में देखो परामर्शदाता जो पराश्रम करता है वो दाता, पराश्रम जो करने वाला होता है तो पराश्रम दाता, निर्देशन में पराश्रम दाता की विशेषता और उनके पराश्रम की परिभाषा, पराश्रम की परिभाषा मैं ऊपर भी बता चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर बता चुका हूं। निर्देशात्मक एवं जो कह सकते हैं अनिदेशात्मक जो परामर्श होता है, परामर्श के दो टाइप होते हैं, ये दोनों टाइप दे रखे हैं, देखो निर्देशनात्मक और अनिदेशात्मक परामर्श होते हैं, उनमें आपसे अंतर पूछा है, आप दोनों अंतरों को देख लेंगे। उसके बाद में दो क्वेश्चन और है ये, उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना है। और देखो विद्यालय निर्देशन से सेवा गठन उनके प्रचलित प्रारूप में संक्षेप में आपको वर्णन करना है, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूं। ये और यहां बोला गया भारत में निर्देशन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करना है, ये मोस्ट रहेगा बेटा, ये मोस्ट रहेगा, इसको आप टिक लगा लो, बस इतने क्वेश्चन पढ़ना है थर्ड पेपर में, बाकी कुछ और नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ याद कर लो, बस ये बहुत होता है, इतने बहुत होते हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, कुछ खास नहीं है। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ कोई भी दिक्कत आ रही तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, थैंक यू। और फॉर देखो यार चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, थैंक यू।